का आपका लोन वैलिड है। रिन्यूअल में जो है आपको अगर देखा जाए रिन्यूअल में आपको केसीसी नहीं से देने की जरूरत है, पैन अपडेट ना हो या जिनका जो कोई डॉक्यूमेंट अपडेट ना हो अपडेट कर सकते हैं। एंड जो 2012 में केसीसी का कार्ड जो है मतलब फिर तो वही है ना कि फिर गवर्नमेंट को स्कीम लाने की क्या जरूरत है, फिर फार्म होल्डर को वो कार्ड देना ही देना। हमारे पास कितने केसीसी हमारे पास नंबर ऑफ केसीसी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में, मुझे शायद एलडीएम साहब इस बात का थोड़ा हमारे पास एटीएम कार्ड है। खुद ही बैंक जाके लोन ले लेता है। अल्टीमेटली हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इट्स वेरी सिंपल, ये आप ही के लिए आसान हो जाएगा एंड इट इज पार्ट ऑफ योर रूटीन। ऑनरेबल एलजी की इंस्ट्रक्शंस थी कि हमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिलेटेड ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं, तो वर्दी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी यहाँ एज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ आए थे, तो इन्होंने भी पूरे 2-4 घंटे यहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर थे, हमारा फार्मर एडवाइजरी बोर्ड है या बाकी लोकल फार्मर्स है, बैंक से स्पेसिफिकली बैंक्स, उनसे हमने यही गुजारिश की कि अल्टीमेटली दिस इज अ क्रेडिट ड्रिवन स्कीम, तो जब तक बैंक इसमें तावन नहीं देंगे तब तक ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अभी इस वक्त हम चूंकि शुपया में है, यहाँ पे जो प्रोग्राम आज है कि वो बैंक्स जो है बैंकर्स जो हमारे इनको ये बताएं कि क्रेडिट लिंक्ड हमारी जितनी भी स्कीम्स है क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स है, तो आज इनके साथ यहाँ पे जो ये सेमिनार हुआ है मेल जोल रहे बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द बैंक्स, बैंक्स जो है अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करें, लेंडिंग जो इनको करनी है जहाँ पे गारंटीज की ज़रूरत नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड्स की बात हो गई, तो बैंक्स को सेंसिटाइज आज करना था कि वो ऐसी अड़चने मतलब जो लोग अक्सर बोलते हैं फार्मर्स बोलते हैं कि हमारे बैंक्स जो है हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, कुछ दुश्वारियाँ आती है, तो आज के प्रोग्राम का पर्पज ही था। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसमें बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर के है बाकी एग्रीकल्चर के है और अलाइड सेक्टर्स के है, तो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं ऑल दीज प्रोजेक्ट्स ऑल दीज स्कीम दीज आर क्रेडिट लिंक, जब तक में तालमेल होगा बिटवीन द बैंकर्स एंड द डिपार्टमेंट्स एंड द फार्मर्स तो स्कीम्स कामयाब नहीं होंगी। आज के प्रोग्राम का पर्पज यही था। एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्मेलिटीज होती है, कोई ईज होना चाहिए कि जिसमें एक पढ़ा लिखा लड़का वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करे इस स्कीम के तहत, ऐसे प्रोग्राम्स का मुनक़द करना तो इसलिए है ताकि जो हर्डल्स जो है अड़चने जो है वो खत्म हो जाएंगी, तो आई एम होपफुल कि आज के प्रोग्राम से चूंकि काफ़ी सेंसिटाइजेशन हो गई बिटवीन अमंग द बैंक ऑफिशियल्स बैंक ऑफिसर्स बाकी हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स तालमेल रहेगा और नौजवान जो है वो आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज जो है इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, तो आई एम होपफुल कि लोग आ जाएंगे और स्कीम्स का फायदा। टॉप लेवल पे मिला था ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने यही चीज़ कही कि ये देखा गया है कि बैंक्स की लेवल पे जो है बेनिफिशियरी को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी वजह यही थी कि बहुत सारी इंस्टांसेस में ये देखा गया कि बैंक्स को भी स्कीम्स की नॉलेज नहीं होती है, रूटीन में जो हमारे बैंक के ऑफिसर्स हैं अपना रूटीन का काम करते रहते हैं बैंक्स में, लेकिन स्कीम्स के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास जो है स्कीम नॉलेज करने एक्वायर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा है कि वो अपने रूटीन काम के साथ बिजी रहते हैं, तो इसीलिए हमें ये डायरेक्शंस दी गई कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सभी बैंकर्स को बुला के ऐसा एक प्रोग्राम कीजिए और उन सभी बैंकर्स को इन सारी स्कीम्स के बारे में जो है पूरी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, और यही आज हमने यहाँ भी किया, हमने एक एक स्कीम को यहाँ डिलिब्रेट किया, एक एक स्कीम की हर एक डिटेल हमने इनको यहाँ बताई ताकि कल को जब हमारा यही फार्मर बैंक ब्रांच पे जाए उसको बैंक ब्रांच वाला या ब्रांच मैनेजर वहां पर उसको ये ना कहे कि मुझे इस स्कीम के बारे में पता नहीं है मैंने इस स्कीम के बारे में सुना नहीं है, कम से कम वो कल को ये उसको हो कि हाँ मैंने इस स्कीम के बारे में उस दिन सेंसिटाइजेशन की है, मैंने इस प्रोग्राम में सुना है कि इस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद भी अगर उसको कोई डाउट होगा हमारे चीफ ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स या हॉर्टिकल्चर से हैं या एग्रीकल्चर से हैं वो उनको जो है वहां पर फोन पे या पर्सनली उनसे जो है उनको गाइड कर सकते हैं। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुमने उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं बल्कि इंट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है।
अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें।